नमस्कार दोस्तों, एक बड़ी न्यूज़ आई है सामने में रिया चक्रवर्ती को लेकर के। रिया चक्रवर्ती का एक खुलासा हुआ है जिसमें रिया चक्रवर्ती और सारा अली खान दोनों एक ही व्यक्ति से ड्रग्स लेते थे, ऐसा खुद रिया चक्रवर्ती का कहना है। एनसीबी को पूरी ताज़ा बयान देते हुए उन्होंने ये इन्फॉर्मेशन दी है एनसीबी को कि वो एक ही व्यक्ति से ड्रग्स खरीदते थे। तो दोस्तों, ये जानना काफ़ी ज़्यादा अहम हो जाता है कि एनसीबी के पास अब लगभग इन्फॉर्मेशन आ चुकी है कि कौन से लोग ड्रग्स देते थे, कितने लोग कहाँ पे ड्रग्स का पूरा कारोबार चलता था, कौन ड्रग्स पेडलिंग में नंबर वन था, ये सब कुछ आ चुका है इन्फॉर्मेशन रिया चक्रवर्ती के खिलाफ। यानी अब ये पूरी तरह से साबित हो चुका है कि रिया चक्रवर्ती ड्रग्स मामले में, मतलब कि वो एक मेन कैरेक्टर भी थी सुशांत सिंह को, मतलब एक मौत के कगार पर खड़ा करने की। तो दोस्तों, एनसीबी के पास इन्फॉर्मेशन होने के बाद से ही एनसीबी बहुत से जगह पे छापेमारी की है, जिसमें से काफ़ी लोगों को अरेस्ट किया गया, जिसमें से एक नाम बहुत ही इम्पोर्टेंट नाम है जिसको ड्रग्स की दुनिया में केजे नाम से जानते हैं लोग। अब केजे कौन है इसके ऊपर भी मैं एक वीडियो बनाऊँगा बहुत ही जल्द, लेकिन फ़िलहाल इन्फॉर्मेशन यही है कि सारा अली खान और रिया चक्रवर्ती का दोनों का ड्रग्स कनेक्शन है और साथ ही वो एक ही व्यक्ति से ड्रग्स लेते थे। अब देखना ये है कि सारा अली खान जो है वो मेन कैरेक्टर है या फिर रिया मेन कैरेक्टर है। तो बहुत ही बड़ी इन्फॉर्मेशन है। तो आशा करता हूँ ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी, तो लाइक जरूर कर देना, शेयर जरूर कर देना, साथ ही आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, बेल की घंटी जरूर बजा देना ताकि आपको इस तरह का न्यूज़ पहले मिल सके। तब तक के लिए आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद।